आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, ये 7 अक्टूबर की शाम का दिन भर है। मैं हूं अमन गुप्ता। ड्रग कनेक्शन में जेल जाने के बाद आज रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। हालांकि उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो गई है। तो रिया को बेल मिलने के क्या कारण है? क्यों उनके भाई को जमानत नहीं मिल सकी? क्या हैं वे शर्तें जो रिया को जमानत के एवज में माननी पड़ेंगी? जानेंगे। और बात होगी बिहार चुनाव में किन जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर पार्टियों ने टिकट बांटे हैं, और ग्राउंड पर मौजूद संवाददाता से जानेंगे कि अब की बार किन मुद्दों पर वोट करेगा बिहार। इसके अलावा कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थानों को ब्लॉक नहीं कर सकता, ये आमजन के अधिकारों का हनन है। तो इस फैसले की आड़ में कहीं जरूरी आंदोलनों की आक्रामकता दब तो नहीं जाएगी? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइन सुनिए प्रतीक वाघमारे से। नोबेल पुरस्कार समिति की ओर से आज केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों का ऐलान किया गया। फ्रांसीसी वैज्ञानिक इमैनुएल शारपेंटियर और अमेरिका की जेनिफर ए डुडना को जीनोम एडिटिंग का तरीका विकसित करने के लिए साल 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत की थी। सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चित काल तक प्रदर्शन नहीं हो सकता, चाहे वो शाहीन बाग हो या कोई और जगह। कोर्ट ने कहा कि निर्धारित जगहों पर ही प्रदर्शन किया जाना चाहिए, आने जाने के अधिकार को रोका नहीं जा सकता। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1,00,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। वहीं रिया के भाई शौविक की जमानत याचिका खारिज हो गई है। रिया को पासपोर्ट जमा करना होगा और मुंबई से बाहर जाने के लिए मंजूरी लेनी होगी। हाथरस केस में एक तरफ जहां दंगे कराने की साजिश के खुलासे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीड़िता का परिवार गांव छोड़ने की बात कर रहा है। परिवार ने कहा है कि वो डर में रह रहे हैं और आरोपियों के परिवार की तरफ से उन पर दबाव बनाया जा रहा है। देश में कोरोना के केस 67,00,000 के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 72,000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित 20 शीर्ष देशों में भारत में मृत्यु दर सबसे कम है। अमेरिका में 15 अक्टूबर को दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट होनी है। डेमोक्रेट्स की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि अगर ट्रंप अभी भी कोरोना से पीड़ित हैं तो वो दूसरी डिबेट में हिस्सा लेने के खिलाफ है। वहीं ट्रंप अब भी डिबेट करने के लिए तैयार है। और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज और आईपीएल में जगह बनाने वाले पहले अमेरिकी क्रिकेटर अली खान चोट लगने के कारण आईपीएल के सीजन 13 से बाहर हो गए हैं। आप न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट सुन रहे हैं। मेरा नाम है अमन गुप्ता। मुंबई में सोमवार को एनडीपीएस कोर्ट ने 3 ऐसे ड्रग पेडलर्स को जमानत दी जिनके पास बाकायदा हेरोइन और गांजा बरामद हुआ था। इसमें 2 महिलाएं थीं और एक आदमी जिसकी पहचान 1,00,000 के तौर पर हुई है। ये लोग बांदा टर्मिनस के पास पेडलिंग करते हुए पकड़े गए थे। इन्हें जमानत मिलने के पीछे कारण ये बताया गया कि इनके पास जो ड्रग्स बरामद हुआ वो कमर्शियली तौर पर निर्धारित मात्रा से कम था, और ये मात्रा हेरोइन के लिए 250 ग्राम तय है जबकि गांजा के लिए 20 किलो। अब दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के पास ना तो ड्रग्स पकड़ा गया, फिर भी उन्हें 28 दिन जेल में रहना पड़ा। 2 बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद आज उन्हें बड़ी राहत मिली है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि उनके भाई शौविक और ड्रग पेडलर बासित परिहार की बेल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। सुशांत के स्टाफ मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी जमानत मिल गई है। वहीं एनसीबी ने यह कहा है कि जिन्हें भी कोर्ट ने बेल दी है वो उसके खिलाफ अपील करेगी। मैंने आज तक रेडियो के मुंबई बेस्ड रिपोर्टर मुनीश पांडे से फोन पर बात की और पूछा कि अब तक रिया को जमानत न मिलने का कारण क्या था। जी देखिए, अभी तक जो जमानत याचिका थी वो सबसे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास में थी। वहां पर जमानत इसके लिए नहीं मिली थी क्योंकि उसमें धारा 20A लगा दी थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, और जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है उनके पास में सिर्फ उन्हीं धाराओं में जमानत देने का पावर होता है जिससे कि सजा जो होती है वो 3 साल से कम होती है। इसमें सजा 10 साल से ऊपर थी, इसकी वजह से उनको जमानत नहीं मिल पाई थी। उसके बाद में उन्होंने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन वहां पर भी जमानत नहीं दी गई थी, ये कहते हुए कि इसमें धारा 27A लगाई गई है
और अनिया चक्रवर्ती जो है उनके सीधे तार कहीं ना कहीं जो इस मामले में ड्रग पेडलिंग करते थे सौविक चक्रवर्ती से लेकर तो जो तमाम ड्रग पेडलर थे उससे उनके साथ जुड़े हुए थे, इसलिए उनको बेल सेशंस कोर्ट में नहीं दी थी। लेकिन जब बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला गया तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ किया हुआ है कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कि वो ड्रग खरीद रही थी या ड्रग उनके पोजीशन में था, ये सारे आरोप गलत हैं। फिलहाल के लिए अभी तक एनसीबी ने कोई ऐसा सबूत नहीं दिया, उनके पास भी कोई ड्रग बरामदगी नहीं की। और ये बात कहना कि अगर वो बेल पे जाती हैं तो बाहर जाकर वो जो एविडेंस है इस मामले में सबूत है उसके साथ में खिलवाड़ कर सकती हैं, तो इसको कहीं ना कहीं जो बॉम्बे हाईकोर्ट है उन्होंने सही आधार नहीं माना और इसी बिना पर उन्होंने आज रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दी और वो बेल पे बेल पर बाहर आ गई है और उनको जेल से भी रिहा। अच्छा मुनीश, शौविक को जमानत न मिलने के कारण क्या है? क्या उनके खिलाफ एनसीबी ने कोई सबूत दिए थे? ये ना जो ऑर्डर आया हुआ है इसमें एक चीज समझने की जरूरत है। कुल मिलाकर 5 लोगों के बेल ऑर्डर थे आज और 5 में से 3 को बेल मिला, 2 को नहीं मिला। जो 2 लोग को नहीं मिला है बेल उसमें से एक है शौविक चक्रवर्ती। शौविक चक्रवर्ती को बेल न मिलने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो खुद ड्रग पेडलर से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे, यानी कि वो ड्रग पेडलर से बातचीत कर रहे थे। शौविक चक्रवर्ती और ड्रग पेडलर के बीच में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी है, गूगल पे से उन्होंने ड्रग्स की डीपी के बदले में पैसे किए हुए थे। ये एक सबूत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास था और इसी आधार पर उसको बेल नहीं दिया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। लेकिन यही बात अगर रिया चक्रवर्ती के लिए रहते हैं तो उनके बीच और ड्रग्स पेडलर के बीच में किसी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं था, कोई मैसेज नहीं था, कभी उन्होंने ड्रग्स खरीदा नहीं थी ना कभी उन्होंने पैसे पे किए हुए थे। इसी वजह से रिया चक्रवर्ती इसके अलावा दीपेश सावंत तीनों को तो बेल मिल गई, लेकिन जो सीधे तौर पर 2 लोग ड्रग पेडलर से जुड़े हुए थे दीपेश माफ करिएगा शौविक चक्रवर्ती और उसके अलावा जो इसमें 5वें शख्स है अब्दुल पाशित सिंह को बेल नहीं मिली है। मुनीश, चूंकि रिया की ये जमानत सशर्त है तो क्या है वे शर्तें? अगर शर्तों की बात करें तो अगले 10 दिन तक रिया चक्रवर्ती को रोजाना पुलिस स्टेशन में एक बार हाजिरी लगानी पड़ेगी, यानी कि 11 बजे सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक कभी भी वहां पर जाकर बताना पड़ेगा कि वो मुंबई में है। मुंबई के बाहर अगर उन्हें जाना है तो इसके लिए बाकायदा उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है, यानी कि वो देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकती हैं। और इस दौरान जो भी इस मामले में आरोपी हैं या जिन लोगों से पूछताछ हुई है उनसे अगर वो सीधे तौर पर बातचीत करती हैं अपने भाई को छोड़कर, तो कहीं ना कहीं ये नियमों का उल्लंघन होगा और उस बिना पर उनके बेल को रिजेक्ट किया जा सकता है, यानी कि फिर से बेल को खारिज किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो कंडीशन है उनमें 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, डेली एक बार पुलिस स्टेशन में जाना है उनको, इसके अलावा मुंबई के अगर बाहर जाना है तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी और देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता मुनीश पांडे। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों पर नामांकन के लिए गुरुवार को अंतिम दिन है और यही वजह है कि सीट शेयरिंग के बाद बीजेपी ने कल देर शाम पहले चरण की 27 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आरजेडी ने भी 41 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने भी पहले चरण की 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब दरअसल बिहार की राजनीति में विकास पर जाति का समीकरण भारी पड़ता है, ये सब जानते हैं, तो पार्टियां इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवार उतारती हैं। तो ऐसे में बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस या जेडीयू, इन सभी ने किन जातीय गणित के आंकड़ों को ध्यान में रखकर इस बार टिकट बंटवारा किया है, यही जानने के लिए मैंने बात की बिहार की राजनीति पर पैनी नज़र रखने वाले आज तक .in में पत्रकार कुबूल अहमद से। आप देखेंगे तो बिहार के 2 मजबूत अलायंस हैं, वो जो है वो एक NDA और दूसरा ग्रैंड अलायंस महागठबंधन। तो दोनों ने बड़ी स्ट्रेटजिक रणनीति बना रखी है। जैसे NDA है, NDA में 2 प्रमुख पार्टियां हैं बीजेपी और जेडीयू। तो बीजेपी जो है वो सवा वोटों को साधने का काम कर रही है और वो ज्यादातर क्योंकि उसका ओल्ड बेस 4 करोड़ में सवा है, वहां ठाकुर ब्राह्मण कायस्थ इस और राजपूत वैश्य, तो इन वोटों को टारगेट कर रही है और उनपे वो अपने उन्हीं की गर्दगी उन्हीं के समुदाय से ज्यादा कैंडिडेट उतार रही है। लेकिन वहीं उसकी जो अलायंस जेडीयू है वो जो है वो उसको बैलेंस करने के लिए अति पिछड़ा कैंडिडेट को ज्यादा खातों से तवज्जो दे रही है, इसीलिए नीतीश कुमार ने अति पिछड़े ये हो दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखेंगे महागठबंधन में, तो महागठबंधन में जो आरजेडी है वो जो है ओबीसी कार्ड खेल रही है, लेकिन उसका जो अलायंस कांग्रेस है वो सम कैंडिडेट वो चुनाव खेल रहा है। तो दोनों की बहुत स्ट्रेटजी है बनी हुई है, लेकिन
इन सब के अलावा एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी ने जो पिछली बार एक भी भूमिहार समुदाय कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया था, उसने अभी पहली ही लिस्ट में एक अपने एक भूमिहार को दिया है, एक ब्राह्मण को दिया है ना, इस तरह से, और राजपूत दो राजपूत को दिया है। तो एक कम्बिनेशन बनाने की, जो खास तौर से तेजस्वी यादव पिछले दिनों ये बात कहा करते थे चुनाव में कि अब आरजेडी जो है वो यादव और मुस्लिम की नहीं है ना, एमओआई नहीं बल्कि ए टू जेड की पार्टी है। अच्छा कुबूल जी, आपने ए टू जेड का जिक्र किया और इसमें बाहुबली भी आते हैं ऐसा लगता है, क्योंकि इस बार आरजेडी ने अनंत सिंह को टिकट दिया है और कभी लालू के कहने पर ही इन्हें गिरफ्तार किया गया था, राजबल्लभ यादव और अरुण यादव की पत्नी को भी टिकट दिया है, और चर्चा ऐसी चल रही है कि आरजेडी बाहुबलियों की पनाहगार बन गई है। दरअसल ये एक अलग बात है, हम अगर आप देखेंगे बाहुबलियों का रिकॉर्ड देखेंगे तो आरजेडी और जेडीयू दोनों ने अपने यहाँ लगातार, आरजेडी ने तो जो दिया है वो दिया ही है, लेकिन जेडीयू ने मैं कम नहीं है, जेडीयू में आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसे बाहुबली हैं जिनकी पत्नियों को टिकट दिया गया है बैलपुर से, आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि खाली यहाँ पे एक किया गया है। आपको अगर कुछ नाम भी बता सकते हैं तो जेडीयू ने भी मनोरमा देवी को टिकट दिया है ना, मनोरमा देवी वही राखी यादव की माँ है और बिंदी यादव की पत्नी है जिन्होंने एक चलती हुई जो है कार को क्रॉस करने का हत्या कर दी थी बिहार में। पूर्णिमा यादव को टिकट दिया है नवादा की जो निर्दलीय विधायक क्या है। अच्छा कुबुल जी ये बताइए, क्या बाहुबलियों को टिकट देना ये चुनाव का मुद्दा बनेगा? नहीं देखिए बिहार में, दरअसल बिहार और में कि ये बाहुबलियों को टिकट देना क्योंकि इससे कोई भी पार्टियां छूट नहीं है, तो जिसके घर तीसरे होंगे दूसरे घर में क्या पत्थर मारेगा, आरजेडी हो या जेडीयू हो दोनों एक दूसरे के दोनों के खून हाथ जो है तले हुए हैं बाहुबलियों में, दोनों की राजनीति में दोनों के साथ बाहुबली है। कल तक अनंत सिंह जो कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी आदमी हुआ करते थे, आज वो इसमें है। अगर देखें तो आरजेडी 2015 के चुनाव में लालू यादव ने इसी आनंद सिंह के नाम पे पूरे जो है बिहार में यादव को युक्त करने की कोशिश की थी कि एक नेता है और उन्होंने एक यादव की हत्या हो गई थी 2015 में चुनाव से पहले, तो इसको लेकर बहुत नीतीश कुमार ने माहौल बनाया था। और इस बार वही आनंद सिंह जो है आरजेडी में है, रमा सिंह जो है वो भी जो है आरजेडी में आ रहे हैं और उनकी पत्नी का उन्होंने दावा ही कर दिया है, तो कोई भी पार्टी वहां पे बची नहीं है, और खासतौर से आरजेडी और जेडीयू में तो बराबर का कम्बिनेशन है दोनों पार्टियों में। ये थे आज तक .in में पत्रकार कुबूल अहमद। अब चूंकि बिहार की राजनीति में जाति का असर होता है, लेकिन बीते 5 सालों में क्या यहाँ कुछ बदलाव के आसार दिख रहे हैं? क्या इस बार बाढ़, बेरोजगारी जैसे कुछ अहम मुद्दे चुनाव की दिशा तय करेंगे? यही जानने के लिए मैंने आज तक रेडियो के संवाददाता उत्कर्ष सिंह से बात की, जो इन दिनों बिहार के जमीनी हालात जानने में लगे हैं। बिल्कुल अमन, देखिए बिहार जो है वो युवाओं का प्रदेश है, यहाँ पर युवा आबादी काफी ज्यादा है, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से पलायन का मुद्दा बिहार के लिए एक अभिशाप है बीते दशकों में, और कोरोना महामारी में ये जो पलायन का मुद्दा था वो एक बार फिर से हावी हो गया। जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी कि दिल्ली और बम्बई जैसे शहरों से लोग बिहार वापस लौट रहे थे, तो वो गुस्सा नाराजगी लोगों में है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। जहां तक बाढ़ की बात है तो बाढ़ उत्तरी बिहार के लिए एक आम घटना कही जा सकती है, हर साल आती है, हर साल लोग उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन उन्होंने अब उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लिया, इसलिए ये कहना कि बाढ़ चुनाव को प्रभावित कर सकता है मुझे लगता है कि ज्यादा होगा। हालांकि बेरोजगारी भी क्या इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है विधानसभा चुनाव में, ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले चुनाव में ये एक मुद्दा जरूर होगा। अच्छा उत्कर्ष, अभी आप ग्राउंड पर हैं, कई विधानसभाओं में गए हैं, लोगों से बात की है, क्या सवाल है लोगों के और किस पार्टी की तरफ रुख दिख रहा है? चुनाव का रुख है उसको लेकर लोगों में सवाल ये है कि पहला सवाल ये है कि आखिर सरकार जो है, चुनाव आयोग जो है, वो चुनाव कराने पर इतना आमादा क्यों है, जब कोरोना महामारी से पूरे देश में और पूरी दुनिया में लोग मर रहे हैं, जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में चुनाव कराने की क्या जरूरत थी। जो दूसरा सवाल लोगों में है वो ये कि इस चुनाव में क्या तमाम जो पूरा कहते हैं कि जो पारंपरिक चीजें रहती हैं राजनीति की, जो चुनाव प्रचार के तरीके रहते हैं, उसको लेकर
राजनेताओं में नाराजगी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम माहौल की बात करें कि किसका पलड़ा भारी है, कौन पीछे चल रहा है, तो निश्चित तौर पर जो एनडीए गठबंधन है उसके बारे में लोगों की अपनी एक राय है। बीजेपी बाकी राज्यों की तरह भी बिहार में भी उसका जनाधार बढ़ता जा रहा है। हालांकि यहां पर बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी की जानी चाहिए, क्योंकि वो 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके ग्राफ में लगातार गिरावट हो रही है और जितने लोगों से अभी तक मैं मिला हूं उनमें से ज्यादातर लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं। हालांकि उनके पास विकल्प कोई ऐसा मौजूद नहीं है जिसे वो नीतीश कुमार के सामने खड़ा पाए, और ये मजबूरी कह लें या ऑप्शन की कमी, लोग नीतीश कुमार को वोट देंगे। हालांकि वहां पर एक धड़ा ये भी है जो चाहता है कि बीजेपी सत्ता में आए लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना हो। ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता उत्कर्ष सिंह। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर, खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दिन भर, सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर। शाहीन बाग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने महीनों तक सड़क पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर जरूरी बातें कही हैं। इन बातों का ख्याल भविष्य में प्रशासन और प्रदर्शन करने वालों को रखना होगा। हमारे सहयोगी संजय शर्मा जो सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही कवर करते हैं, मैंने उनसे इस मामले पर ज्यादा जानकारी ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शाहीन बाग को लेकर बहुत बड़ा फैसला दिया है और ये दूरगामी असर करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि ये दो तरह के अधिकारों और बीच में कर्तव्य, इन तीनों चीजों के बीच बैलेंस बनाने का है। एक तो भारत के लोकतंत्र में हमारा संविधान हमें किसी भी चीज के विरोध के लिए आवाज उठाने की इजाजत देता है, मंजूरी देता है, अधिकार देता है, स्वतंत्रता देता है, यानी राइट टू एक्सप्रेशन। लेकिन कोर्ट ने बोला है कि ऐसा नहीं हो कि आपके राइट टू एक्सप्रेशन की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हो। वहीं संविधान ये भी अधिकार देता है कि किसी भी नागरिक को पूरे देश में आने जाने का अधिकार है, आप सार्वजनिक जगह पे अपने विरोध करने के अधिकार के पर अमल करने की वजह से लोगों का आने जाने का रास्ता नहीं रोक सकते और उनको परेशानी नहीं हो सकती। ये दोनों अधिकारों और कर्तव्य के बीच का संतुलन करने की बात कोर्ट ने कही है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जहां जहां सरकार ने डेजिग्नेटेड प्लेसेस रखे हैं जहां लोग अपनी बात कह सकते हैं, सरकार को बता सकते हैं, अपना विरोध बुलंद कर सकते हैं, वहां करें, और अगर कहीं सड़क पर उतरने के बाद भी है तो आप अनिश्चित काल के लिए सार्वजनिक स्थलों पर जाम नहीं लगा सकते, बंद नहीं कर सकते और लोगों की परेशानी का सबब नहीं बन सकते। इससे एक चीज तो ये साफ हो गई कि भविष्य में लोग जिस तरह से जहां भी मन हो सड़क जाम करके और प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, घंटे दो घंटे के लिए तो ठीक है, लेकिन आप उसको 100 से ज्यादा दिन तक शाहीन बाग में जाम रहा, बंद रहा और सड़क पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई थी, तो इस पर कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ ये बता दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि धारा 144 को लेकर कोर्ट ने कहा था कि अनिश्चित काल तक धारा 144 लगाकर निषेधाज्ञा लागू नहीं की जा सकती है। वैसे ही अब ये साफ कर दिया है कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर अनिश्चित काल तक सार्वजनिक जगहों पर जाम या बंद या उसको ठप करने की स्थिति नहीं चल सकती है। ऐसे में जो लोग रेल रोकते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, उनके लिए भी पहले भी कोर्ट इसको अवैध बता चुकी है रेल रोकने के आंदोलन को लेकर, और अभी स्थिति साफ हो गई है। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि इस तरह की स्थिति हो तो प्रशासन को कोर्ट के आदेश का इंतजार करने से पहले ये कार्रवाई करके और जनता के हित में, आम जनता के हित में कार्रवाई करके उस जगह को खाली करा लेना चाहिए। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आगे की ओर भविष्योन्मुख हैं, आगे की ओर देखती हैं और इसका असर देर और दूर तक जाएगा। लेकिन संजय जी, विरोध प्रदर्शन करने वाला किसी बात से आक्रोशित होकर या परेशान होकर प्रदर्शन करता है, ऐसे में वो चाहता है कि प्रशासन के सामने कोई चुनौती पैदा करे या जनता के बीच में दिखाई दे ताकि उनका मैसेज जो है वो तेज़ी से फैले। अब जो जगह प्रदर्शन के लिए सरकारें अलॉट करती हैं, अब वहाँ जाने से ये उद्देश्य तो पूरे नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 100 दिन से ज्यादा तक प्रदर्शन किया लेकिन अपने मकसद में उससे हासिल क्या हुआ, क्या हासिल हुआ, वो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया। और कोर्ट का ये कहना है कि आप अपनी बात कहने के लिए जहां जहां डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं जरूर अपनी बात कहें, लेकिन अनिश्चित काल तक, ये
इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं ये निकालता हूँ कि आप थोड़ी देर तो आप जरूर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अनिश्चित काल तक किसी भी जगह पर कब्जा करके उसे बंद नहीं कर सकते, और खास करके वो सार्वजनिक जगह हो जहां से लाखों लोगों का आना जाना हो या लाखों लोगों का डायरेक्ट सुविधा और असुविधा की बात हो। तो ये मुझे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग लगी इसमें। ये थे कानूनी मुद्दों पर नजर रखने वाले आज तक के हमारे सहयोगी संजय शर्मा। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज दिन भर में बस इतना ही। इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग की कपिल देव सिंह ने। आज तक रेडियो के कार्यक्रम से जुड़ा अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई शिकायत करना चाहते हैं, तो आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिए ताकि हर पॉडकास्ट का आपको समय से अपडेट मिलता रहे। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।